देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज है, रूस के मुद्दे पर पश्चिम में फिर से मतभेद देखने को मिले हैं। स्विट्जरलैंड का रूसी संपत्तियों को जब्त करने से इनकार, स्विट्जरलैंड ने ऐसी किसी कार्रवाई को कहा है असंवैधानिक। रूसी लोगों की असीध संपत्ति को जब्त नहीं करेगा स्विट्जरलैंड। तो मतलब देखिए, पश्चिम जो इस युद्ध में एकमत होने की कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था कि हम सारे लोग एकमत हैं, वो इस मुद्दे पर, रशिया के मुद्दे पर अब बढ़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि नाटो की तरफ से जो ताजा बयान आया है उसके मुताबिक यूक्रेन को मदद मिलेगी, लेकिन ये जो स्विट्जरलैंड का इनकार है सी संपत्तियों को इस तरह से लेने का, वो क्या इशारा करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसी को समझाने के लिए कुछ बिग वॉल पर हम ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे और उसके जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या रशिया के मुद्दे पर पश्चिम दो फाड़ हो गए हैं, वो समझाने की आपको कोशिश करते हैं। देखिए स्विट्जरलैंड में रशियंस को राहत मिली है, प्राइवेट रशियन प्रॉपर्टी को जब्त। फ्रीडम ऐप से सीख कर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है, अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड ने अपना रुख साफ कर दिया है, ऐसी कोई भी कार्रवाई स्विस संविधान के खिलाफ है और हम संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे, बगैर मुआवजे के कोई संपत्ति हम जब्त नहीं कर सकते हैं, यह कह दिया स्विट्जरलैंड ने साफ साफ। स्विट्जरलैंड में रशियंस की 8.13 अरब डॉलर की संपत्ति फिलहाल फ्रीज करके रखा गया है। ये संपत्ति यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद प्रतिबंधों के तहत फ्रीज की गई है और रूसी लोगों की इन फ्रीज संपत्तियों को जब्त करने से स्विट्जरलैंड ने मना कर दिया है। साथ साथ स्विस बैंक भी रशियन संपत्तियों को जब्त करने के खिलाफ है, अपना रुख उसने साफ कर दिया है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, बड़ा सवाल क्या है, क्या स्विट्जरलैंड का ये रुख यूक्रेन पर पश्चिम में मतभेद को बढ़ा देगा, यह बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पश्चिम में क्या चल रहा है और यूक्रेन युद्ध में पश्चिम जो दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है क्या इंपैक्ट डालेगा। राठौर सर, कैसे देखते हैं स्विट्जरलैंड के इन बयानों को, क्या अमेरिका का इंपैक्ट खत्म होता जा रहा है, क्या यूक्रेन के मसले पर अब पश्चिमी देश दो फाड़ हो चुके हैं और इस युद्ध में इसका इंपैक्ट क्या होने जा रहा है फिलहाल? देखिए, युद्ध के शुरुआत से रूस की संपत्तियां और रूसी ओलिगार्क्स की संपत्तियां पूरे यूरोप में और अमेरिका में जब्त की गई हैं और यूक्रेन ये मांग करता आया है कि ये सारा पैसा और ये सारी संपत्तियों का पैसा यूक्रेन को दिया जाए, इस तरीके की मांग उठ रही है। यहाँ बात है स्विट्जरलैंड के, जो इन्होंने पॉइंट दिया है वो बिल्कुल सही है स्विस कानून में, और मैं समझता हूँ किसी भी देश के कानून में ये कहीं भी प्राविधान नहीं है कि किसी की संपत्ति को आप जब्त करके नीलाम कर दें। इन्होंने कहा है बगैर मुआवजे के वो संपत्ति नहीं ली जा सकती, तो स्विट्जरलैंड ने साफ मना किया है कि हमने फ्रीज जरूर की है लेकिन हम इसे बेच नहीं सकते या हम किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। वहाँ स्विट्जरलैंड का कानून और उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है, अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।